नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आप देख रहे हैं एबीएनएन न्यूज। आज से ठीक 5 साल पहले यानी कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर देने का फैसला किया था। ऐसे में नोटबंदी होने के बाद सभी लोगों ने 500 और 1000 रुपए के नोटों की जगह नए नोट लिए। अब 500 और 1000 की जगह नए तरह का 500 और 2000 का नोट चलन में है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके जो 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट थे उनका आखिर हुआ क्या? दरअसल आरबीआई ने लोगों से 15.28 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 के नोट जमा किए थे और इसके बदले नए नोट जारी किए थे। तो ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि आखिर 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा के अमाउंट का आखिर हुआ क्या और अभी वो नोट कहाँ है। अब जानते हैं इतने नोटों का क्या हुआ। बता दें कि आरबीआई ने 30 जून 2017 को जारी किए अपने प्रारंभिक आकलन में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 15.28 लाख करोड़ रुपए बताया था। ऐसे में सूचना का अधिकार के तहत यह सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में पता चला कि नोटों का विघटन कर दिया जाता है, ये नोट वापस बाजार में नहीं लाए जाते, यानी नोटों को काट दिया जाता है और अलग सामान बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। आरबीआई के नियमों के अनुसार इन नोटों की वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम के बाद उनका ब्रिकेट सिस्टम के जरिए ब्रिक्स तैयार किया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक पुराने नोटों को करेंसी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि CVPS तरीके से विघटन किया जाता है। पहले चरण में यह देखा जाता है कि करेंसी नष्ट करने के लायक है या नहीं। फिर दूसरे चरण में श्रेडिंग ब्रिकेट सिस्टम के जरिए नोटों को मशीन की मदद से महीन कतरनों में बदला जाता है। इन कतरनों को फिर से कंप्रेस कर ब्रिक्स की शेप दी जाती है। माना जाता है कि फिर इन ब्रिक्स के जरिए कार्डबोर्ड जैसे कई आइटम बनाए जाते हैं। ऐसे ही 500 और 1000 के नोटों का विघटन किया गया जिसमें आरबीआई ने अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से मदद मांगी थी और उसके बाद उनके छात्रों ने नोट के इन टुकड़ों से तकिया, टेबल लैंप जैसी चीजें बनाई थी। बताया जाता है कि पुराने नोटों की खास बात यह है कि ये ना तो पानी में गलते हैं और ना ही इनके कलर छोड़ने की कोई दिक्कत है। ऐसे में इसे कई तरह की चीजें आसानी से बनाई जा रही है। हालांकि आरबीआई नोटों का रिसाइकिल करने का काम नहीं करता है। तो फिलहाल के लिए तहीं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए एबीएनएन न्यूज के साथ।